पांच साल केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। मीरा रोड लोकल चालू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हुई है पांच साल में? स्टेशन का पूरा परिसर हम लोगों ने, मैंने खुद ने डिजाइन करके उसको बनाया। उद्घाटन भले इन्होंने किया, सत्ता बदल के तो उद्घाटन नहीं होने किया। भयंदर का स्टेशन की क्या हालत है? जैसे कि वैसे न ट्रेन बड़ी न टॉल हटा। आपका पानी का बिल उठा करके आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा शायद, ₹7 10,000 लीटर के चार्जेस। हम लोग जब तक के कॉर्पोरेशन में सत्ता में थे 2014 तक ₹7 था, अब आप लोग ₹14 भरते हैं। और पानी अगर एक घंटा आता था तो आज आधा घंटा आता है। कचरे का टैक्स आपके ऊपर लगा दिया, कचरे का टैक्स आपके हाउस टैक्स में पहले ही टैक्स उस पर लगा हुआ था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, मगर आपके कचरे का टैक्स डबल लगा दिया। उत्तर के अंदर 10 लाख मैट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ है। 2013 के अंदर हमने वसई के अंदर, पृथ्वीराज चौहान थे मुख्यमंत्री, उस डंपिंग ग्राउंड को वसई में शिफ्ट करने का जमीन अलॉट कर दी गवर्नमेंट ने। सरकार बदल गई, पांच साल में ये सरकार ने और एमएलए ने वहां से कचरे का ग्राउंड शिफ्ट नहीं किया। परसों देखिए वहां पे आग लग गई, उत्तर वालों को इतनी वहां पे परेशानी है, इतनी बदबू आती है, इतनी परेशानी की जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कचरे में कुछ काम नहीं हुआ, मगर कचरा उठाने का जो टेंडर 2014 तक कुछ करोड़ में दिए जाते थे, ये शहर में 450 मैट्रिक टन कचरा 2014 तक था, अभी 550 मैट्रिक टन है। वो 25 करोड़ रुपए का दिया जाता था, 20% कचरा पड़ा है, तो 20% टेंडर की कॉस्ट बढ़ना चाहिए था, 30% बढ़ना चाहिए था, 300 टाइम्स बढ़ गया, 100 करोड़ दिस पीपल आर स्पेंडिंग टू कलेक्ट द गार्बेज।